राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के गंडोह इलाके में बुधवार को सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। सुबह 2-3 आतंकियों के इलाके में छिपे होने की सूचना के बाद पुलिस और सेना ने सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया था, जिसके बाद सुबह 9:50 पर एनकाउंटर शुरू हुआ। इस एनकाउंटर में जम्मू कश्मीर पुलिस में तैनात स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप का जवान भी घायल हुआ है। आशिक हुसैन नाम के इस जवान को डोडा के सरकारी मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यहाँ डॉक्टरों ने बताया कि उनके दाहिने पैर में गोली लगी है। अधिकारियों ने बताया कि 11 और 12 जून को डोडा में दोहरा आतंकवादी हमला हुआ था। इसके बाद से सेना, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। आज सुबह 2-3 आतंकियों के सीनू पंचायत के गांव में छिपे होने की सूचना मिली थी। इसी दौरान ढोक से आतंकियों ने टीम पर गोलीबारी की। इलाके में अब भी सर्च ऑपरेशन जारी है। पूरे इलाके पर ड्रोन और हेलीकॉप्टर के जरिए नजर रखी जा रही है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि राजौरी जिले के चिंक्स इलाके में पिंड गांव से मंगलवार शाम चीनी ग्रेनेड बरामद किया गया था। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।